आप देख रहे हैं समय न्यूज आवाम की आवाज। बिलासपुर में आज अपनी मांग अनुरूप महंगाई और गृह भाड़ा भत्ता न मिलने से नाराज शासकीय कर्मचारी एक बार फिर 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। प्रांत व्यापी जिला स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल के तहत कलम बंद, काम बंद, मोबाइल सेवा बंद, हड़ताल करते हुए शासकीय कर्मचारी बिलासपुर के नेहरू चौक पर डटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर प्रदेश के 100 से अधिक कर्मचारी संगठनों के लाखों कर्मचारी छठे दिन भी आंदोलन स्थल पर डटे रहे। इससे सरकारी कामकाज पूरी तरह ठप हो चुका है, दफ्तरों में सन्नाटा पसरा है। सरकार द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ोतरी को अपर्याप्त बताया जा रहा है। कर्मचारी 34% डीए और हाउस रेंट अलाउंस पर अड़े हुए हैं। राज्य सरकार ने 6% महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी किया, इसके बाद भी कर्मचारी नाराज है। महंगाई भत्ता 12% किए जाने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन जारी है। कर्मचारी केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं। आंदोलित कर्मचारी केंद्र की तरह 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतन में गृह भाड़ा भत्ता की घोषणा की मांग कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पहले कह चुके हैं कि उन्होंने कर्मचारियों की मांग पूरी कर दी है, इसके बाद भी अगर कर्मचारी आंदोलन करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। इधर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता कर्मचारियों का समर्थन करने पहुंच गए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, मस्तूरी विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी नेहरू चौक स्थित आंदोलन स्थल पहुंचे और कहा भाजपा फेडरेशन के साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि भाजपा दो तरीके से कर्मचारियों की मदद कर रही है, अव्वल आंदोलन में शामिल होकर, दूजा और सरकार से लगातार बातचीत करके समाधान की तलाश कर रही है। इस दौरान धर्मलाल कौशिक ने कहा भूपेश सरकार चाहे तो उसकी घोषणा कर सकती है, लेकिन वो कर्मचारियों का हित नहीं चाहती। एक बार फिर राज्य सरकार पर हमला करते हुए धर्मलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के साथ गांव का किसान और ग्रामीण भी परेशान है, विकास कार्य पूरी तरह ठप है। फेडरेशन के जो धरना कार्यक्रम चल रहे हैं, उस धरना कार्यक्रम में मुख्य रूप से दो मांगे रखी गई है। एक तो केंद्र सरकार के जो डीए दे रहे हैं उसके बराबरी इनको डीए मिले, और दूसरा जो आवास का जो भाड़ा नियंत्रण जो है वो वृद्धि होनी चाहिए। इन मांगों के समर्थन के लिए यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है अंधी बूंदी। मैं हमारे नगर निगम के कर्मचारी साथियों से कि मशाल रहेगी, जो मशाल यहाँ पर व्यवस्था है उसकी आवश्यक सामग्री यहाँ उपलब्ध कराएं, मिट्टी तेल और प्रदेश को काले की दिशा में जा रही है। ये बात अपने आप में सबूत हो रही है, और इसके कारण में केंद्र सरकार लगातार डीए दे रही है, लेकिन राज्य सरकार को जो डीए देनी चाहिए। 2:30 बजे हम यहाँ से रवाना होंगे, हो रही है सुबह से, और इसके कारण 20 मिनट आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। यहाँ पर धरना प्रदर्शन में तैयारी चल रही है, और उसके बाद समर्थन के लिए यहाँ पर हम अपने न्याय की गुहार लगाते हुए छत्तीसगढ़ शासन से एक न्याय महारैली आज यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट।